शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भैया उठो, भैया उठो ना, उठो। क्या कोई गहरा ख्वाब देख रहे थे? कितनी देर हो चुकी है, काम पे नहीं जाना क्या? उठो। अरे माँ, माँ। हाँ जीते रहो बेटे, जीते रहो। संभल कर अजय बेटे, कहीं दूध छलक ना जाए। दीदी बस एक मिनट, मैं गई और आई। हाँ साहब, मेरे दूध के डब्बे क्यों गिराए? मेरा स्कार्फ अपनी गाड़ी पर क्यों लगाया? नाक पोंछने के लिए। How dare you? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं तो जानता हूँ कि आप कौन है मेम साहब, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि आप कौन है। मुझे याद दिलाना होगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हारे ससुराल। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने नुकसान किया, तुम्हें भरना होगा। नहीं भरूंगी। नुकसान करना आता, भरना नहीं। नहीं। कैसे नहीं भरोगी? चलो अब। छोड़ो मेरे हाथ। मैं देख लूंगी। तुमने नुकसान किया, तुम्हें भरना होगा। नुकसान करना आता, भरना नहीं। कैसे नहीं भरोगी? चलो अब। दीदी ये आप क्या कर रहे हो? मत पूछ। कहीं दूध तो नहीं धो रही हो? वही तो कर रही हूँ। तो क्या उसने तुम्हें दूध धोना भी सिखा दिया? वो मुझे क्या सिखाएगा, वक्त आने दो। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा। तुम उसे क्या सिखाओगी? उसने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। लाला जी, ओ लाला जी, लाला जी। क्या है? अरे लाला जी, कुछ लोग गांव से आए हैं। किस लिए आए? अरे लाला जी, चंदा मांगने। चंदा मांगने आए? बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। मगर लाला जी, मैंने बोल दिया उनको आप घर पे हैं। हाँ
अरे लाला जी आप क्या कर रहे हैं लाला जी? आत्महत्या। आत्महत्या? अरे अरे क्या कहूँ गांव के नौजवानों, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सट्टे में मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? चंदा, कल जन्माष्टमी है ना। चंदा? गरीब से चंदा, गरीब से चंदा। देता हूँ, चंदा देता हूँ। आज तक लोगों ने कन्यादान किया है, मैं पुत्रदान करूँगा। वैसे भी मेरा ये बेटा मेरे कुछ काम का नहीं है, ले जाओ इसे चंदे के तौर पर जाओ। अरे 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 लाला जी, अरे अरे लाला जी, हमें चंदा उंदा नहीं चाहिए। काय को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, चंदा विंदा कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ 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 जाओ, चंदा मांगने आए। कहा चंदा मांगने आए? एक भिखारी के बाद चंदा मांगने आए। चंदा मांगने आते हैं लाला जी से। पैसा नहीं है क्या? अभी मजा चखाता हूँ, जरा ठहरना। 40, 41। डाकू, डाकू आ गए। चलो जल्दी करो, निकालो वहाँ से, जल्दी। धोती के अंदर क्या है? धोती के अंदर? धोती में कुछ नहीं बेटे, धोती में कुछ नहीं डाकू। बोले तो झूठ बापू, खोल दे धोती, खोल दे। इतना बस, इतना बस। तुम? थैंक यू। भागो, भागो। तूने लाला की लंका में आग लगाई है ना? अगर मैंने भी तेरे संसार में आग नहीं लगाई तो मेरा नाम भी लाला नहीं। पुजारी जी, मंदिर के दरवाजे खोल दीजिए ना, देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय बीता जा रहा है। ये क्या कह रही हो बेटी, द्वार तो हर साल की तरह आज भी राजा साहब ही अपने हाथों से खोलेंगे। अरे वाह, राजा साहब नहीं आएंगे तो क्या भगवान का जन्म नहीं होगा? भगवान का जन्म भी किसी के लिए रुक सकता है भला? हमारे लिए रुक सकता है। कौन है तू और हमारे मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखने की तूने जुर्रत कैसे की? मंदिर तो भगवान का होता है। मंदिर चाहे भगवान का हो, बना हमारे पैसों से है। इतना ही शौक था मंदिर बनवाने का तो उसे अपने महल में बनवा लिया होता। मंदिर तो सबका होता है और इसकी सीढ़ियां हर कोई चढ़ सकता है, चाहे वो धनवान हो या निर्धन। बहुत शौक है तुझे मुंह लगने का। तो लगा मुँह। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अरे चल। बात मान ले, तुझे मेरी कसम। चल 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 यहाँ से। चलो चलो। अजय बेटी नाराज है अपनी माँ से? वैसे एक बात कहूँ, मुझे जिंदगी का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। जिन लोगों से तू टकरा रहा था उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। वैसे भी कहते हैं ना, आग से नहीं खेलना चाहिए। अजय, अजय, ये तूने क्या किया बेटे? माँ, मुझे आग से खेलना आता है।
और उससे बुझाना भी। की राजकुमारी, तुझे हकीकत समझाने आई हूँ। देखा, तेरी हकीकत मेरे कदमों में है। वैसे ये जाल काफी खूबसूरत है। निकल नहीं पाओगे। कमबख्त, निकलना भी कौन चाहता है। फितूर है तुम्हारे दिमाग का। आखिर तुम कहाँ और मैं कहाँ? मैं आसमान की ऊंचाई में बसने वाली वो शहजादी हूँ और तुम जमीन पर रेगने वाले एक मामूली कीड़े। इस फासले को तुम कभी मिटा नहीं पाओगे। 4 इंच ऊंची एडी के जूते पहनकर कोई आसमान नहीं हो जाता मेम साहब। जब गिरोगी ये जमीन ही संभालेगी। तब की तब देखी जाएगी। आज तो तुम मेरे रहमो करम पर हो। सुना, मेरी कैद मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्जी है। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। ਸਸਿਕਲ ਭਾਜੀ। ਸਸਿਕਲ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਸ਼ਾਓ? ਬਸ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ। I hate him. I hate him. I hate him. ਦੀਦੀ ਜੂਸ, ਤੋ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਕਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਥੀ। तू क्या समझती है और वो क्या समझता है कि हम झुक जाएंगे? प्यार झुकता नहीं है दीदी। औरत चाहे गरीब की कुटिया में हो या महलों में, उसकी नजरें हमेशा झुकी हुई अच्छी लगती है। लेकिन हम वो लड़की नहीं जो झुक जाए। जीत हमारी होगी, उस अजय की नहीं। नमस्ते राजा साहब। जीते रहो रुपेश, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मंगनी होने से पहले रमा और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो। जी राजा साहब। आओ रमा, आओ आओ बेटे। देखो, भवानीपुर की शान किशनगढ़ की जान से मिलने आई है। हेलो। मगर ताऊ जी, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। बेटे, ये भवानीपुर इंडस्ट्रीज के मालिक केदारनाथ जी के इकलौते चश्मो चिराग रुपेश हैं। इन्हीं से तो तुम्हारी सगाई तय की है। मगर ताऊ जी, मैं तो इन्हें जानती। अपने जंगलात में दोस्तों के साथ शिकार के लिए जा रहा था। शिकार? जी। हाउ एक्साइटिंग, आप शिकार करते हैं? जी हाँ, क्यों? वैसे तो किसी जंगली जानवर का शिकार करने का हमारा भी बड़ा दिल करता है। ओह रियली? तो चलिए ना हमारे साथ, इसी बहाने आपके शिकार करने के शौक भी पूरे हो जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे। क्यों राजा साहब? Why not? रमा जरूर जाएगी। शिकार? शिकार।
दूध वाले। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ, लगता है मुझे मिलने की बेताबी में रात भर सोई नहीं। हाँ मैं सारी रात सोई नहीं, तुम्हें याद करती रही, और सुबह का सूरज चढ़ते ही तुम्हें ये कहने आई हूँ कि अब तुम उम्र भर रातों को सो नहीं सकोगे। अच्छा, मैं शादी करने वाली हूँ। हमारी शादी इतनी जल्दी? अरे मैंने तो अभी तक अपनी माँ से बात भी नहीं की। गलत फहमी के शिकार हो तुम, मेरी शादी भवानीपुर के राजकुमार रुपेश सिंह से होने वाली है। क्यों, कैसा लगा और तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई मुझसे शादी करने के सपने देखने की? मेरा तन मन उसकी अमानत होगा, वो मेरी इज्जत आबरू का रखवाला होगा, मेरी हर सांस उसकी होगी। हर रात जब तुम मेरे लिए तड़पोगे, मैं उसकी मजबूत बाहों में होंगी, मेरी डोली तुम्हारे घर के सामने से गुजरेगी और तुम देखते रह जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें रांझा बनने का, तो चलो आज मैं तुम्हें कैद से मजनू बना दूं, वो मजनू जिसे लैला कभी हासिल नहीं हुई, जो रेगिस्तान में दर बदर भटकता रहा, जिस पर जमाना पत्थर मारता रहा। वो बेवकूफ लैला अपने मजनू को पत्थरों से बचाती रही, लेकिन मैं एक पत्थर मैं भी मारूंगी।